तो रही डूइंग एडवांस रेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटीज जिसमें हम बात हैं स्वैप की तो आज हम इसमें स्वैप स्प्रेड की बात करेंगे कि वट इज स्प्रेड, व्हाट डज इट मीन इट्स कंप्यूटेड एंड स्वैप स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉम्पोनेट ऑफ गिप एंड दील ऑन देंट डेट सिमिलर मेच्योरिटी इन यू एस दैटर वुड बी यू एस ट्रेजरी मतलब बात यह है कि जैसे यू एस ट्रजरी का रेट इस वक्त चल रहा है लेट से तीन परसेंट और स्वैप का रेट चल रहा है पांच परसेंट तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज रेफर टू एज स्वैप स्प्रेड कि ये क्या और ये फिक्स्ड पेमेंट वाली साइड से डिटरमिन हो रहा होता है कि दैट इज द स्वैप स्प्रेड स्वैप्स दैम सेल्फ आर डेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फिक्स रेट पेमेंट्स वापस में इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स की हमें हमने बात की है कि सेटलमेंट में यूज हो रहे होते हैं तो हाउ द स्प्रेड अप्लाइज दैट नीड टू बी कंसर्न बिकॉज ट्रेजरी बॉन्ड इज ऑफन यूज़ एज बेंच मार्क ट्रेरी अगर पता है हमेशा यू एस ट्रेरी इज कंसिडर की ये इसको बेस बनाई जाती है और उसको प्रसीव किया जाता है कि इट्स रिस्क फ्री डिफ़ॉल्ट रेट यूज़ किया जाता है बिकॉज यू एस गवर्नमेंट जो है वी आर श्योर कि वो हमारी जो एक रिस्क uh, फ्री है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो रिस्क फ्री है वेयर एज इन केस ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर डिफ़ल्ट का चांस आ सकता है तो इसलिए उनके रेट्स जो हैं वो ट्रेरी से हायर साइड पर हो जाते हैं तो वो तो जो प्रसैप्शन है दैट इज बींग बिल्ट इन इन द रेट रिस्क इंक्रीज, सो कि जितना रिस्क की परसेप्शन ज्यादा होगी तो स्वैप का जो रेट होगा स्प्रेड होगा उतना बढ़ जाएगा इन दिस वे स्वैप स्प्रेड कैन बी यूज टू असैस द क्रेडिट वर्डीनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट तो हमें एक पास हमने देखा एक जब यू ट्रेड नहीं है और लोकल पार्टिसिपेंट्स हैंड बी एन इंस्टीट्यूशनजल तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंगली रिस्क परसेप्शन के मुताबिक जो स्प्रेड का रेट है वो डिटर्मिन होगा बेसिक्स ऑफ जो स्प्रेड क्या है तो एप्स कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ पीपल टू मैनेज देयर रिस्क इन विच टू पार्टीज एग्रीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट तो दोनों में ये मैं आपकी जो एक जिस्ट है कि एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाले आपस में ये उसमें जा रहे हैं इन ऑर्डर टू मैनेज देयर रिस्क generally speaking the party that receive fixed rate flows on swap interest increase the risk that rates will rise ab jisko fix milna hai basically wahan pe ek risk element aa raha hota hai at the same time if rates fall there is a risk that original owner of the fixed rate flow will range on his promise to pay the fixed rate. जैसे अगर rates बहुत गिर जाते हैं तो आपको तो फिक्सड मिलना था दूसरी party की तरफ से लेकिन होता ही है कि कई दफ़ा देखा यह जा सकता है कि आपने फ्लोटिंग देना था जो कि बहुत कम हो गया आपने वो देना है उसने आपको फिक्स्ड हाई रेट देना है तो वो कह दे जी मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ या वो बैकआउट कर दे अपने प्रॉमिस से तो ये एक मेन इस वक्त बात हो रही है ये उसकी क्रेडिट वर्जिनेस और उसके इम्पैक्ट की बात है कि इफ द पार्टी सो उसका इम्पैक्ट हमारे इसमें स्प्रेड में आ रहा होता है To compensate for these risks, the receiver of the fixed rate require fee on top of the uh, fixed rate flows. So, वो basically वो ही swap spread है कि भाई इसका जो ये chance है कि अगर वो party दूसरी party ने default कर दिया तो where we goes on तो हमें तो फिर दोबारा अपने floating पे आ जाएंगे तो उस जो default risk का जो capturing होती है that is being done in the swap rate spread. टू जनरेट द ग्रेटर द रिस्क ऑफ ब्रेकिंग दैट प्रॉमिस अगर यानी कि दूसरी पार्टी बहुत कोई अच्छी नहीं है रेनाउंड नहीं है या उसकी कोई हिस्ट्री है डिफॉल्ट की तो फिर स्वैप स्प्रेड भी ज़्यादा होगा जितनी अच्छी पार्टी होगी यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर निशाद मिल्स हैं सफायर हैं तो डेफिनेटली फिर स्वैप रेट बड़ा कम होगा लेकिन अगर कोई वलरनेबल सी कंपनी है यानी कि उसका रिस्क ज़्यादा है तो फिर स्वैप रेट विल भी सो आपका स्प्रेड जो है वो फिर बढ़ जाएगा स्वैप स्प्रेड को रिलेट क्लोजली क्रेडिट स्प्रेड एज दे रिफ्लेक्ट रिस्क क्रेडिट स्प्रेड आपको पता है वर्ड वही है कि एक जो बैंक या इंस्टीट्यूट किसी पार्टी को क्रेडिट देता है तो उसका रिस्क गेज करता है कि कितना रिस्क है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको चार्ज करा होता है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क तो स्वैप का जो स्प्रेड है वो भी को उसी के साथ ही कर रहा है क्योंकि उन्हीं की परसेप्शन क्रेडिट वर्दीनेस से लिंक्ड है तो ये भी उसी एलिमेंट का एक टाइप है और एक काउंटर पार्टी के डिफ़ॉल्ट पे ही बेस करा होता है स्वैप स्प्रेड लार्ज कॉरपोरेशन टू गवर्नमेंट टू फंड देयर ऑपरेशन ये जब इंस्टीट्यूट्स वाले ये इसमें आते हैं कि अपने ज़्यादा उस अर्निंग लेवल्स को बिल्ड करने के लिए दे कम्स इन टू दिस प्ले एंड दे मेक गुड मनी आउटपिट टिपिकली प्राइवेट एंटिटीज पे मोर और हैव पॉजिटिव स्वैप स्प्रेड एज कम्पेयर टू यू एस गवर्नमेंट डेफिनेटली जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई ट्रांजेक्शन होगी तो रिस्क की प्रसप्शन रिस्क के लेवल बड़े कम होंगे जब प्राइवेट पार्टीज आएंगी तो रिस्क प्रसप्शन ज्यादा हो जाएगी तो स्वैप रेट भी ज्यादा होएगा ये हमने ऑलरेडी बात स्टैब्लिश कर ली है स्वैप्रेड आई इसकेटर ऑफ डिज़ायर टू हैज रिस्क द कॉस्ट ऑफ हैज एंड ओवरऑल लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट तो ये पूरे हमारी है, हैजिंग की जो हमारी डिज़ायर है जो हमारी एपीटाइट है उससे लिंक हो जाता है

कोई दूसरा प्लेयर ना मांग सके लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिमांड आ जाए कि जी बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपने रिस्क को कैप्चर करने के लिए तो फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये रिस्क लेते हैं उनसे फिर दे विल बी चार्जिंग अम दैट देयर फॉर लार्जर स्वैप स्प्रेड मीन देर इज अ हायर जर्नल लेवल ऑफ रिस्क एवर्जन कि जब रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो उसका क्या मतलब है कि ज्यादा लोग अपने आप को रिस्क एवर्स की तरफ जा रहे हैं सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए फिर वो दे आर गोइंग टू पे हायर रेट टू गेट दैट कवरेज तो ये एक गेज सिस्टमैटिक रिस्क का भी है कि ये मार्केट्स कैसी मूव कर रही हैं एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग रन इन द मार्केट इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ अ टेन ईयर स्वैप हैज अ फिक्स रेट ऑफ फोर परसेंट एंड अ टेन ईयर ट्रईरी नोट विद द सेम मचोरिटी मच्योरिटी सेम होना ज़रूरी है बिकॉज दैन अदरवाइज वो आपस में कोई लॉजिक नहीं बनेगा हैज अ फिक्स रेट ऑफ थ्री परसेंट तो स्वैप का रेट है फोर परसेंट ट्रेरी का रेट है थ्री परसेंट तो द स्वैप स्प्रेड इज इसका मतलब है हंड्रेड बेसिस पॉइंट का है यानी so, कि वन परसेंट का स्प्रेड है विच इज़ अ हायर नंबर तो इट्स एन इंडिकेटिव कि मार्केट इस वक्त थोड़ी रिस्क एवर्स की तरफ होगी अगर मार्केट रिस्क टेकर हो जाए मार्केट इतनी वो हो जाए कि जी हमें बहुत ज़्यादा हैजिंग की जरूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट ना हो तो ये हो सकता है वन परसेंट का स्प्रेड रिड्यूस होकर पॉइंट फाइव या फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स पे भी आ जाए तो दिस इज सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट विच रिफ्लेक्ट्स इन द स्वैप स्प्रेड थैंक यू